हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। फ्री कॉलिंग और फ्री इंटरनेट का मजा हुआ खत्म, दोबारा से फ्री सर्विस पाने के लिए करना होगा ये। पिछले साल सितंबर में लॉन्च होने के बाद से जियो यूजर्स ने शुरुआती 6 महीने कंपनी की सेवाओं का मुफ्त फायदा लिया और इसके बाद भी बेहद कम कीमत पर जियो समर सरप्राइज और जियो धन धना धन ऑफर के साथ रिलायंस जियो यूजर्स को 3 महीने के लिए सभी सेवाएं फिर से मिली। खैर, आपको बता दे कि अब ग्राहकों को मिल रही अतिरिक्त जियो सर्विस खत्म होना शुरू हो गई है, क्योंकि शुरुआत में समर सरप्राइज ऑफर लेने वालों की वैधता खत्म होने वाली है। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए जुलाई फ्री ऑफर का आखिरी महीना है, यानी वे यूजर जो समर सरप्राइज ऑफर का फायदा ले रहे थे उसकी वैलिडिटी जून महीने में खत्म हो चुकी है। समर सरप्राइज ऑफर की वैलिडिटी 3 महीने थी, हालांकि उनके नंबर पर अभी भी फ्री ऑफर जुलाई तक एक्टिव रहेगा। फिलहाल अभी तक टेलीकॉम ऑपरेटर ने किसी नए प्रमोशनल ऑफर का ऐलान नहीं किया है, इसलिए अधिकतर जियो यूजर में उत्सुकता है कि आगे क्या होने वाला है। वैसे आपको बता कि अपने यूजर्स के लिए जियो ने एक नया प्लान जारी किया जिसमें अगले 3 महीने यानी अक्टूबर तक फिर से फ्री सर्विस का फायदा लिया जा सकता है। जियो के प्लान के मुताबिक यूजर्स ने समर सरप्राइज ऑफर के लिए जो 303 रुपए का रिचार्ज कराया था वो जुलाई के लिए था, यानी अप्रैल से जून तक का ऑफर कंपनी ने यूजर्स को फ्री दिया था। वहीं जुलाई से उस रिचार्ज की वैल्यू शुरू हो गई। यूजर्स के इस रिचार्ज की वैलिडिटी जुलाई की किस तारीख को खत्म हो रही है, इसे माई जियो ऐप के माई प्लान से भी देखा जा सकता है। जुलाई में जिन यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी खत्म होगी, कंपनी उन्हें SMS के जरिए जानकारी देगी। अगर आपको अपनी मुफ्त जियो सर्विस और प्लान बैलेंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप माई जियो ऐप और jio.com वेबसाइट के जरिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आप यह भी पता कर सकते हैं कि अपनी सर्विस को चालू रखने के लिए आपको कितने का रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।